जी अस्सलाम वालेकुम। नयाब मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आज मैं मौजूद हूं रुडन इनक्लेव की साइट पर। इस साइट के हवाले से मैं आपको कुछ अपडेट्स दूंगी कि रुडन इनक्लेव की डेवलपमेंट का काम कहां तक पहुंचा है। लेट्स गो। जी तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे रुडन इनक्लेव की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप देख सकते हैं कि मस्जिद की तकमील का काम अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ रुडन इनक्लेव के मेन बुलेवार्ड के ऊपर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बाकी सोसाइटीज़ के बारे में बात करें तो रुडन इनक्लेव का बुलेवार्ड सबसे वाइड है। मेन बुलेवार्ड ही नहीं बल्कि स्ट्रीट्स भी बहुत वाइड है। तो बात करते हैं रुडन इनक्लेव की डेवलपमेंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है और रुडन इनक्लेव की मैनेजमेंट की तरफ से 2022 और 23 डिलीवरेंस एंड डेवलपमेंट के साल हैं। जी तो आप देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे ग्रीनरी और हॉर्टिकल्चर का भी काम जारी है। रुडन इनक्लेव में पार्क और ग्रीन बेल्ट का काम भी अपनी तकमील के आखिरी मराहिल तक पहुंच चुका है और जॉगिंग ट्रैक भी बिल्कुल तैयार है। जी तो रुडन इनक्लेव का एक बड़ा और लग्जरी साइट ऑफिस भी तैयार हो चुका है। रुडन इनक्लेव मेगा प्रोजेक्ट्स के दरमियान में वाकया है जहां पर बिजली, पानी, गैस, स्कूल्स, हॉस्पिटल जैसी तमाम सहूलियात मौजूद हैं। रुडन इनक्लेव के नेबर्स की बात की जाए तो इसके सामने DHA और बहरिया, बैक साइड पर कैपिटल स्मार्ट सिटी और इसके साथ आर्मी का जरार कैंप भी मौजूद है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत खसाला डैम में जो कि रुडन इनक्लेव में मौजूद है और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी ही पानी और ग्रीनरी मौजूद है। जी गाइस, तो आने वाले कम से कम तो 100 सालों में इस सोसाइटी को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस, देर किस बात की, रुडन इनक्लेव में इन्वेस्ट करें और बासानी अपना प्लॉट हासिल करें। दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, मेरी टीम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। थैंक यू।